हरे कृष्णा एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रेडियोस। दिस साइड अगेन शुक्ला। ओके, यू ऑलरेडी नो। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अपना द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज की जो तारीख है वो है 7 नवंबर, ट्यूसडे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन और वीकेंड एनालिसिस, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग को इसका PDF इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू का PDF चाहिए तो मेक श्योर आप लोग हमारा जो ग्रुप है द रेडियोस का, उसको ज्वाइन करें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिंड कमेंट सेक्शन प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप अवेलेबल हैं, तो जिसको आप ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखा जाए तो जो हमारा आर्टिकल है इंपॉर्टेंट वाला, वो ये वाला हो जाता है विच इज़ रिगार्डिंग द GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन। ओके, इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो ऑड इवन स्कीम है, जो भी कहीं ना कहीं समहाउ बेनिफिशियल साबित होती है इन द दिल्ली NCR रीजन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन, ओके, उसके रिगार्डिंग जो ऑड इवन स्कीम है उसको वापस लाया गया है, ठीक है। अब ये देख सकते हो जो ट्रैफिक है हमको देखने को मिलता है ऑन द दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। एयर क्वालिटी इन द दिल्ली कंटिन्यू टू रिमेन अ सर्व कैटेगरी फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव डे, ओके। अब अगर हम लोग एक्सप्रेस की रिपोर्ट माने, देखो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ऑड इवन स्कीम उसमें होता क्या है। ऑड इवन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ऑड मतलब ऑड नंबर्स कौन कौन होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब ऑड नंबर्स हैं, वी ऑन लो। सो ऐसी गाड़ी जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड करेगा ऑड डिजिट से, ठीक है, उनको सिर्फ ऑड दिन ऑड वाले जो ऑड डेज होंगे मंथ में उसी दिन वो निकल सकते हैं, ठीक है। और ऐसी गाड़ी जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंड होगा इवन डिजिट से, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, वो सब गाड़ियाँ जो है वो इवन डेज को मंथ में निकल सकती हैं बाहर, ठीक है। सो ये है 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाएगा उसमें, इंक्लूड हो जाएगा इवन वाले में, ठीक है। अब जो दिल्ली में 75 लाख प्लस व्हीकल हैं, अबाउट अ थर्ड ऑफ द 25 व्हीकल्स आर कार, ठीक है। दिल्ली में जो अप्रॉक्स व्हीकल्स की संख्या है वो कितनी है, 75 लाख, जिसमें से 25 लाख जो हैं फोर व्हीलर्स है, कार्स हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग सम हाउ ऑड इवन स्कीम कहीं ना कहीं फेवरेबल होगी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन द दिल्ली NCR रीजन, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला हमारे लिए। ओके, लेट्स मूव फर्दर। जो अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आ जाता है हमारे लिए ये वाला, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है उसमें गवर्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं बताता हूँ आपको, देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 5 जजेस की बेंच बैठाई थी, ठीक है। उसमें जो मेन जज थे कौन थे, CJI हमारे, उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर है मस्ट एक्ट बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इसमें जो पूरा केस है वो यह है केरला, तमिलनाडु और पंजाब का। ओके, केरला, तमिलनाडु, पंजाब के जो गवर्नर्स हैं, देखो सबसे पहले जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 200 होता है वो डील करता रिगार्डिंग द एक्सेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, इन एवरी स्टेट। सो जो भी आर्टिकल, जो भी बिल जो है उसको कहीं ना कहीं अगर वो पास हो जाता है फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द काउंसिल, दोनों हाउसेस से स्टेट का जो बिल है वो उसको उस बिल पे फिर एसेंट मिलता है, ठीक है ना, तभी जाके वो कानून बनता है। वो जो एसेंट कौन देता है स्टेट में, हमारे गवर्नर देते हैं, और अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें तो कौन देता है वो एसेंट, प्रेसिडेंट देते हैं। तो अभी यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, सो आर्टिकल 200 वो डील करता है रिगार्डिंग द एसेंट ऑफ द गवर्नर टू द बिल, ओके। तो इसी के रिगार्डिंग जब बिल पास हो गया तो जाएगा एसेंट के लिए गवर्नर के पास, तो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिल को मंजूरी देते हैं और बिल पे एसेंट देते हैं या फिर बिल को विदहोल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर वो बिल को रिटर्न कर देते हैं फॉर द फर्दर अमेंडमेंट्स, ओके, फर्दर मॉडिफिकेशंस। अगर बिल को रिटर्न कर दिया तो जो पर्टिकुलर हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं बिल को अमेंड करते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड टाइम जब वो बिल जाता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास फिर उसको एसेंट अप्रूव करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं होता है।
जो अल्टीमेटली जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो अपना डिस्क्रिशन यानी अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, कब? पहली बार में, ठीक है? जब फर्स्ट टाइम बिल उनके पास जाएगा तभी वो अपना डिस्क्रिशन की जो पावर है वो कहीं ना कहीं उसको इंजॉय कर सकते हैं। ओके, अब जो गवर्नर है अगर बिल को रिटर्न कर रहा है या फिर अमेंड करने के लिए वापस भेज रहा है, तो किसके दे अपने दम पे भेजेगा? नहीं, उनको रिकमेंडेशंस मिलती हैं फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द गवर्नर्स, ठीक है? काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नर, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हाँ इस बिल में हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली गवर्नर अमेंडमेंट के लिए मांग करता है और बिल को वापस भेज देता है टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल, ठीक है? सो इसी के रिगार्डिंग इसको हम लोग डिस्कस करते हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है? अब अगर हम लोग आगे देखो, पेज नंबर 2 ये रहा हमारा, ऑडियंस बैक कहाँ गया, ये रहा ना, गवर्नर मस्ट एक्ट बिफोर ये। इसमें देखो क्या है, अभी जो पंजाब है उसके रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जैसे जो केरला, तमिलनाडु, पंजाब है, ये तीनों स्टेट के जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसने कुछ बिल बनाया, ठीक है? और उस बिल को बनाने के बाद बिल पे एसेंट चाहिए तो उसने भेज दिया गवर्नर के पास, लेकिन तीनों स्टेट के जो गवर्नर्स हैं कुछ कुछ बिल को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है? मतलब उन पे एसेंट ना दे रहे हैं ना ही बिल को वापस रिटर्न कर रहे हैं फॉर द अमेंडमेंट, फॉर द अमेंडमेंट्स। इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट कहीं ना कहीं परेशान हो गई, ठीक है? और वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास और मांग करने के लिए कि भाई गवर्नर जो हैं इन सबको आप बताइए कि बिल को एसेंट दें और नहीं देना है तो उसको वापस रिटर्न करें। अब लेके बैठ जाएंगे एक एक दो दो साल तक उस पर्टिकुलर बिल को, तो वो बिल तो अटका रहेगा। इससे अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? पीपल्स का हो रहा है, ठीक है? ऑफ कोर्स पब्लिक का हो रहा है, जनता का हो रहा है। ओके, सो मैं हल्का और डिटेल बता देता हूँ आप लोग को, कहाँ गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट द गवर्नर आर एन रवि। उसमें कंप्लेन क्या है कि जो आर एन रवि गवर्नर है तमिलनाडु को, उन्होंने 12 से भी ज़्यादा बिल को अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है? और केरला की बात करें, केरला में भी यही हाल है। ओके, और पंजाब में भी यही हाल है। इसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ये बात बैठाई जा रही है कि जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर एक पर्टिकुलर नियम बनाए कि जो बिल भेजा जाए गवर्नर के पास उस पर उसकी पर्टिकुलर डेडलाइन हो कि हाँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर आप बिल पर या तो एसेंट दें या तो रिटर्न करें उसको, आप अपने पास पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो ये मांग की बात हो रही है। अल्टीमेटली इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हम आर्टिकल 200 हो जाता है, आप लोग देख सकते हो इधर, ठीक है? अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट है वो अपीयर हुई, ठीक है? तो इसमें जो सीनियर एडवोकेट है कौन, एम सिंह वी, उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज केस वेयर गवर्नर्स हैज़ केप्ट 7 बिल्स, ठीक है? पंजाब में कितने बिल रखे हैं गवर्नर ने अपने पास? 7 बिल, दे आर फिजिकल बिल्स, ठीक है? एफिलिएटेड कॉलेज बिल एक्सेट्रा। ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन आ जाती है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया। उसने सबमिट किया, जो हमारे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने सबमिट किया दैट जो आर्टिकल 200 है वो मेक्स द एसेंट टू अ बिल मैंडेटरी एंड सेज द गवर्नर शैल नॉट विद होल्ड द एसेंट। ओके, लेकिन समहाउ इधर लॉ ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ये बात है। अल्टीमेटली आप लोग को आर्टिकल 200 ध्यान में रखना है और साथ ही साथ इस पर एक कानून बनना चाहिए और नेसेसरी भी है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक पर्टिकुलर डेडलाइन देनी चाहिए कि हाँ इतने दिन में, ठीक है, इतने मंथ्स में आप लोग या तो बिल को एसेंट दें नहीं जिसको फर्दर अमेंडमेंट्स के लिए वापस रिटर्न करें, आप बिल को विदहोल्ड नहीं रह सकते हैं। अगर जो जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो उधर क्या हो जाता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है? पेंडिंग हो गया तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। तो सेंटर में क्या होता है, ठीक है, सेंटर में अगर डेडलॉक क्रिएट हो रहा है बिटवीन द टू हाउसेज तो प्रेसिडेंट आके रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इधर जब गवर्नर ही डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? अल्टीमेटली जुडिशरी रिजॉल्व करेगी, ठीक है? इस पर आना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे CJI, उन्होंने इस पर ये भी कहा है कि ये जो पर्टिकुलर मसला है गवर्नर और CM के बीच में, ठीक है, तो ये आपस में सुलझाया जा सकता है बिना सुप्रीम कोर्ट तक आए, और समहाउ वो सही भी हैं, ठीक है? जो पब्लिक मैटर अल्टीमेटली आपके बीच का मैटर है उसको सुलटाया जा सकता है कॉपरेशन से। ओके, लेट्स मूव फॉर द अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे लिए हो जाता है, देखते हैं कौन सा है।
एयर क्वालिटी सफर 5th डे एयर क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग को पता है अल्टीमेटली पॉल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। ओके, ओके, लेट्स मूव फर्दर। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो रिगार्डिंग दिस है, मोदी डायल्स राइसी टू डिस्कस सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया, बोथ एग्री ऑन द अर्ली पीस। अब इधर जो डायसी हैं वो कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, ठीक है। उनके बारे में बात हुई कि हाँ जो वेस्ट एशिया में क्या मैटर चल रहा है इसके बारे में बताओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ओके, अब जो स्टैंडिंग पैनल है उसने अडॉप्ट किया है और रिपोर्ट्स ऑन द क्रिमिनल लॉस, क्रिमिनल लॉ यानी अभी वही जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स आने वाली थी इन द सीआरपीसी और सीपीसी यानी आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स आने वाले थे उसके रिगार्डिंग ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसको स्टैंडिंग कमेटी ने अडॉप्ट किया, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन होम अफेयर्स, ठीक है, कौन सी कमेटी है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उसने लुकआउट किया है इन टू द 3 बिल्स जो कि सीक करते हैं टू रिप्लेस आईपीसी सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट, अडॉप्टेड इट्स ड्राफ्ट रिपोर्ट मंडे इवन एज द अपोजिशन मेंबर इन द पैनल सबमिटेड मल्टीपल डिसेंट नोट्स, ठीक है। अब इधर देखो, विद भारतीय न्याय संहिता विच सीक टू रिप्लेस आईपीसी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिटी सर्विसेज एज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर सम ऑफेंसेस इंक्लूडिंग स्मॉल थेफ्ट हो गया या फिर डिफेमेशन एंड टू अटेम्प्ट सुसाइड विद एन इंटेंशन टू कीप अ पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम डिस्चार्जिंग हर ड्यूटी, ठीक है। तो ऐसे जो छोटे छोटे गुना है उस पर भी कहीं ना कहीं सजा होगी। बिसाइड सम मेम्बर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग टेरर करप्शन ऑर्गेनाइज क्राइम नाउ अंडर द न्यू पीनल कोड, ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब जैसे बिल अल्टीमेटली पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा ये, तब हम लोग इसको अच्छे से चर्चा में लेंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग देखते हैं। अगला जो आर्टिकल आया था वो ये वाला है, इंडिया भूटान टू ब्रॉडन पार्टनरशिप ऑन एनर्जी हेल्थ एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये हेयर वी कैन सी किंग ऑफ द भूटान कौन है? जिग्मे खेसर और नामगेल वांगचू, ठीक है, और इंडिया ये रहे। अभी हमने देखा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लिंक हुआ है, ठीक है, कहाँ कौन सा रेल लिंक हुआ है वो आप लोग मुझे बताओगे, उसको मैं डिस्कस किया था 5 नवंबर के एडिटोरियल में, ठीक है, नॉट द 5, उससे पहले था शायद 2 या 3 नवंबर को था, हाँ ठीक है। तो अब जो इंडिया है वो भूटान से भी रिलेशन अच्छे कर रहा है समहाउ, ठीक है, कैसे रिलेशन अच्छे कर रहा है अल्टीमेटली वही और लिंकिंग करके, ठीक है, इसमें भी रेल लिंक की बात हुई है। ओके, अब देखो, एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई है बाय द मोदी एंड द वांगचू टॉक्स जो कि बताती है द टू साइड्स एग्रीड ऑन अ फाइनल लोकेशन सर्वे फॉर द प्रपोज्ड क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग कोरारजियार इन द असम टू द गिलेपू इन द भूटान। असम का जो कोरारजियार है उसको कनेक्ट किया जाएगा भूटान के गिलेपू से। ओके, द टू साइड्स ऑल्सो एग्रीड टू कंसिडर एस्टेब्लिशिंग अ रेल लिंक बिटवीन द बनारस इन द वेस्ट बंगाल टू द समस्ते इन द भूटान, ठीक है। पहले तो ये अभी ये वाला जो पर्टिकुलर रेल लिंक है इसको कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल को जोड़ा जाएगा भूटान से। अभी किसको जोड़ा जा रहा है? आसाम को। आसाम में कौन सी जगह है? नुक्कड़राझर, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसी के साथ जो भूटान किंग है उन्होंने अपना दौरा 8 दिन का बिगिन किया है, ये चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट उससे बताती है कि जो वांगचू उन्होंने कन्वेट किया है अप्रिसिएशन फॉर द सपोर्ट दैट इंडिया कंटिन्यूज टू प्रोवाइड भूटान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इट ऑल्सो सेड दैट भूटान थैंक्ड इंडिया फॉर टाइमली रिलीज ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस टू कंप्लीट क्रूशियल प्रोजेक्ट्स अंडर द 12th 5-year plan, ठीक है, 2018-2023 तक ये चला। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आ जाता है, गवर्नमेंट लॉन्चेस भारत
आटा एट सब्सिडाइज रेट टू सपोर्ट कंज्यूमर्स। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है इकोनॉमी, और समा इकोनॉमी के टर्म्स में देखें, अगर हम लोग देखें इसको एग्रीकल्चर के टर्म्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो पर्टिकुलर मार्जिलाइज और मार्जिनल कंज्यूमर्स है, ठीक है, मतलब समा जो पावर्टी के उसमें आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब क्या मिलेगा, भारत आटा मिलेगा। जैसे आशीर्वाद आटा है, वैसे भारत आटा ये गवर्नमेंट का आटा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट अब प्रोवाइड करेगी उन पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को जो कि कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होंगे एट अ सब्सिडाइज रेट। ओके, अब इसमें जो इसका जो आपका डाटा है वो देख सकते हैं अपन लोग। अहेड ऑफ द दिवाली फेस्टिवल जो सेंटर है उसमें मंडे को फॉर्मली लॉन्च किया है सेल ऑफ वीट फ्लो, ठीक है, एट अ सब्सिडाइज रेट ऑफ ₹27.5 पर केजी विद द नेम ब्रांड नेम ऑफ द भारत आटा। 27 रुपीस पर केजी अल्टीमेटली कितना हो गया ये हमारा, और सब बेच रहे हैं 30-35 में, गवर्नमेंट 27 दे रही है, समहाउ सब्सिडाइज तो है ही। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कंज्यूमर फ्रॉम हाई प्राइसेस। अब जो भारत आटा है विल बी सोल्ड थ्रू द कोऑपरेटिव्स ऑफ द NAFED एंड NCCF एंड द केंद्रीय भंडार, ठीक है, वाया 800 मोबाइल वैन्स एंड 200 ऑड आउटलेट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। अल्टीमेटली इसको सप्लाई कौन करेगा भारत आटा को, NAFED एंड NCCF। ठीक है, जो सब्सिडाइज रेट है इज लोअर देन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। मार्केट रेट कितना चल रहा है, 36-70 रुपये पर केजी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द लोकेशन, वी ऑल नो। इन फेबरी गवर्नमेंट ने हैड कैरीड आउट अ पायलट सेल, ठीक है, 18,000 टन की भारत आटा की पायलट सेल कंडक्ट करवाई थी एट अ रेट ऑफ ₹29.50 पर केजी थ्रू दिस कोऑपरेटिव इन द फ्यू आउटलेट्स, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम। नाउ फ्लैगनिंग ऑफ 100 मोबाइल वैन्स एट द कर्तव्य पथ यूनियन फूड एंड कंजर्वेशन अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने बताया, नाउ दैट वी हैव टेस्टेड एंड बीन सक्सेसफुल वी डिसाइडेड टू अ फॉर्मल लॉन्च दैट आटा एट ₹27.5 पर के जी दैट विल अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी जहाँ तक ठीक रहेगी। अब अल्टीमेटली जो गोयल साहब, उन्होंने क्या बताया, अबाउट 2.5 लाख टन्स ऑफ द वीट विल बी एलोकेटेड फ्रॉम द फूड FCI से एलोकेट किया जाएगा एट अ रुपीज़ और एट अ रेट ऑफ 21.5 पर केजी टू द NAFED, ठीक है, NCCF एंड केंद्रीय भंडार। तो अल्टीमेटली जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो कितने में दे रही है वीट को, इन पर्टिकुलर वेंडर्स को, NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को कितने में दे रही है, 21.5 में। अब इसमें ये लोग कमीशन, अल्टीमेटली इनका जो खर्चा आ रहा है 6 रुपये आ रहा है, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें कितने रुपये मिलेगा, 27.5 पर केजी के हिसाब से उनको भारत आटा मिलेगा। दिस विल हेल्प टू बूस्ट अवेलेबिलिटी एंड चेक प्राइसेस ऑफ द वीट फ्लोर, उन्होंने बताया। तो अच्छी बात है, आप लोग को नज़र में रखना है। ठीक है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा कौन सा, अभी तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिस्ट, और ना ही ये वाला एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है। BJP इज़ लुकिंग टू स्टैम्प इट्स मार्क्स इन द मिजोरम इलेक्शन, एथनिसिटी एंड डेवलप द रिमार्केट सेक्टर। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलो नंबर 7 है, चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम प्रीडेटर टू प्रे, केस अगेंस्ट मेहता शो वाई सोशल नेटवर्क नीड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है, चलो चलो। हाँ, अगर हम लोग वर्ल्ड अफेयर्स पे देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है जो ब्लिंकन है, ये आए थे अभी इंडिया आएंगे, ब्लिंकन ने एंड किया मिडल ईस्ट विजिट का विद द लेटेस्ट सक्सेस इन द वॉर अफेयर्स। ठीक है, तो US के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन है, एंटनी ब्लिंकन। आप ठीक है, वेस्ट बैंक गए, अल्टीमेटली इसराइल के पास गए, जाके वहाँ मेट्रो देखा और आ गए, चलो कोई ना। लेट्स मूव फर्दर गाइस,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम साइंस अटैक के बारे में बात करें और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी बात करें, ठीक है, किसी के पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करें, तो ये वाला जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो रश्मिका मंदाना है, जो कहीं ना कहीं वी ऑल नो एक्ट्रेस हैं, पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, ठीक है, और उसमें पर्टिकुलर किसी और वो उस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पर्टिकुलर कोई और फीमेल थी, उसकी जगह पे डी फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके रश्मिका मंदाना की जो फ़ोटो है उसको लगा दी गई, ठीक है, एआई की हेल्प से। तो उसकी वजह से वो वायरल हो गई, ठीक है, वो वीडियो वायरल हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अ वीडियो ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की कॉलिंग ऑन हिज शोल्डर टू ले डाउन देयर वेपन्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। अब इस वीडियो को बना के एआई के हेल्प से निकाल दिया जाता है। अब जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, उसको सच मानने लगेंगे, और सच मानेंगे तो वो दिक्कत आएगी, ठीक है। इसी रिगार्डिंग इन जो टेक्नोलॉजीज़ है इनको कहीं ना कहीं हल्के शासन में रखना ज़रूरी है। एक ग्लोबल रेगुलेटरी जारी किया गया है, अ लॉट ऑफ दीज कंसर्न्स वर ऑन द शो ऑफ द ब्लेचर पार्क लास्ट वीक, ठीक है, AI 50। चलो इस पे कोई कानून आता है तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अभी ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं अल्टीमेटली पावरफुल तो है ही, और गलत हाथों पड़ गया तो और ज़्यादा खतरा बन सकता है, ठीक है, किसी पर्सन के लिए। अभी ये तो चलो रश्मिका मंदाना एक एक्टर हैं, तो ये बात ज़्यादा कंसर्न में आई। अगर कोई और ऐसी लड़की होती जिसका जो वायरल वीडियो है डी फेक टेक्नोलॉजी की मदद से किसी और लड़की चाह लगा के ऐसे अपलोड कर जाता इंटरनेट पर, तो वो लड़की क्या सोचती, ठीक है, तो ये हल्की दिक्कत वाली बात है।